हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग सब। मैं शेयर कर रही आप सभी के साथ अनियन स्प्रिंग रोल बनाने की रेसिपी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एक कटोरी मैदा ले रही हूँ। इस पे हम तेल और नमक ऐड करेंगे। ये मैं नमक आधा टीस्पून से कम ले रही हूँ, आप नमक को अपने हिसाब से ले सकते हैं। अभी सबको अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि हमारा प्याज स्प्रिंग रोल अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको ऐसे करके हमें अच्छे से मिक्स करना है, गुल्ठे एक भी ना बने रहें इसमें। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, एक साथ पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसको अच्छे से, ये देखिए हमें ऐसा मैदे का या आटा को गूंथ लेना है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऊपर से तेल ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। हमारे आटे रेडी हो गए हैं। अब हम इसको कुछ देर के लिए ढक के छोड़ेंगे, तो बाकी की रेसिपी हम रेडी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कढ़ाही ली हूँ, गैस ऑन की हूँ, गैस हमारा हाई फ्लेम पे होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे तेल ऐड करूँगी। तेल आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो, कम ज़्यादा। थोड़ा तेल गरम होने दें। तो तेल हो गया है, अब हम यहाँ पे डालेंगे जीरा, फिर डालेंगे प्याज, डालेंगे इस पे मिर्ची, थोड़ा बारीक कटा हुआ अदरक। अब ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से चलाएंगे, थोड़ी देर तक फ्राई होने देंगे। तो ये देखिए अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी आलू। मैंने दो आलू कद्दू क्रश कर लिए थे बॉईल करके, मीडियम साइज़ के। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। हम इसमें ऐड करेंगे आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून टर्मरिक पाउडर और आधा टीस्पून धनिया पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। मैंने मैदे के आटे पे नमक पहले से ऐड किया था, तो नमक आप अपने हिसाब से चख के ले सकते हैं। ये देखिए अच्छे से हमारा भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक टीस्पून बेसन, सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे अब ऐड करूँगी थोड़ी सी धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई, सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए पेस्ट बन के रेडी हो चुका है प्याज स्प्रिंग रोल का। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे ताकि हमारे प्याज स्प्रिंग रोल अच्छे से बन के रेडी हो जाए। तो चलिए हम गैस को ऑफ कर दिया है मैंने। अब इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, तो बाकी की चीज़ें रेडी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक चम्मच मैदा ले रही हूँ आलू स्प्रिंग रोल की कोटिंग करने के लिए। एक चम्मच मैंने यहाँ पे मैदा ऐड की हूँ और इसका ऐसे रोल बनाना है पतला। इसको अच्छे से हम घोल लेंगे। अब हम इसको साइड में रखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आटा हमारा सेट हो गया है कि नहीं, ऐसे होने चाहिए।
अब हम इसमें ऑयल लगाएंगे थोड़ा। दोनों को अच्छे से सेट कर देंगे। अब हम इसको बेलन से बेलेंगे। देखिए हमें ज़्यादा बड़ा भी इसको नहीं बेलना है, मैं गैस ऑन करके तवे पे अब हम इसको पकाएंगे। ज़्यादा हमको इसको पकाना भी नहीं है। ये देखिए एक एक करके हमें सारी ऐसी रोटी बना लेनी है आलू स्प्रिंग रोल की कोटिंग करने के लिए। एक चम्मच मैंने यहाँ पे मैदा ऐड की हूँ और इसका ऐसे रोल बनाना है पतला। इसको अच्छे से हम घोल लेंगे। अब हम इसको साइड में रखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आटा हमारा सेट हो गया है कि नहीं। तो ये देखिए आटे हमारे सेट हो के अच्छे से हो गए हैं। अब हम इसको रेडी करते हैं। चलिए हम इसके दो तोड़ के लोई बना लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से होने चाहिए। अब हम इसमें ऑयल लगाएंगे थोड़ा। दोनों को अच्छे से सेट कर देंगे। अब हम इसको बेलन से बेलेंगे। देखिए हमें ज़्यादा बड़ा भी इसको नहीं बेलना है, मैं गैस ऑन करके तवे पे अब हम इसको पकाएंगे। ज़्यादा हमको इसको पकाना भी नहीं है। ये देखिए एक एक करके हमें सारी ऐसी रोटी बना लेनी है। गैस हाई फ्लेम पे होना चाहिए। ये देखिए रोटी हमारी कुछ इस तरह पकी है। अब हम इसको 20 से खोलेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सारी रोटी ऐसी बेलनी है और सारी रोटी को हम ऐसे ही पका लेंगे एक एक करके। तवे पे ही सेकना है, हमें गैस पे नहीं सेकना है। गैस हमारी सारी रोटियाँ बनके रेडी हो चुकी है। हमने ये 20 पीस के दो टुकड़े किए हैं निकाल के। अब चलिए हम इसको रोल करने के लिए रेडी करते हैं। अब हम इस पे रखेंगे इसका पेस्ट। हम लगाएंगे ये जो मैंने मैदे का घोल रेडी किया था। चारों साइड इसकी अच्छे से सिलाई लगा लेती हूँ। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्डिंग हमारी बहुत ज़रूरी है। ये देखिए हमें इस तरह से कुछ रोल रेडी करने हैं। तो आपको कुछ ऐसे रोल करना है। ये देखिए मेरे रोल रेडी हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे एक कढ़ाई में अब मैं तेल डालूँगी। तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे, इसके बाद हम ये रोल को उस पर डालेंगे। तो ये देखो तेल हो गया है, मैं चेक कर ली हूँ। अब हम इसमें एक एक करके रोल डालेंगे। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है खाना बनाने का, तो आप इसको हर मौसम बना के खा सकते हो। घर वालों को भी खिलाओ, कोई फ्रेंड आए घर पे उनको भी आप खिला सकते हैं बना के। तो ये देखिए हमें इसको ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, हल्का सा ही
फ्राई करने हैं। एक साथ नहीं डालना है सभी को, नहीं खुल सकता है। अभी फ्राई हो गया है, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। निकालना है तो ये देखिए खस्ता करारा फ्राई होके हमारा रेडी हो चुका है। तो आप इसको जैसी मर्जी वैसा खा सकते हैं। तो एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा खाने के लिए। तो मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए और कितना कुरकुरा सा बना है, ये आप खुद देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।